हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको फूल सजाने की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बधाई। आज हमारे वहाँ उत्तराखंड का एक फेमस त्योहार है फूल सजाने। मतलब गांव में ऐसे फूल खेलने जाते थे तो हर किसी के गेट पे ना फूल डालते थे, पीले फूल होते थे गाँव में। तो यहाँ तो गेंदे वगैरह के फूल होते हैं। तो आज है फूल सजानी, तो होली तो हमने बनाई नहीं थी, तो आज वो भाई की तेरवी भी है तो रावत जी वहाँ गए हैं, तो हमने जो है अभी कुछ बनाया नहीं है, शाम को बनाएंगे कुछ मीठा वगैरह जो भी बनाएंगे। तो क्योंकि आज वो तेरवी में गए हैं तो मैं नहीं गई हूँ। और तो चलिए, फिर पूजा पाठ हो चुकी है, मंदिर में फूल वगैरह डाल दिए हैं और थोड़ा सा दरवाजे में डालेंगे हम फूल, हमारे वहाँ का रिवाज है। और कुछ सगयान बनाएंगे, सगयान बोलते हैं हमारे वहाँ त्यौहार को। जैसे कोई भी त्यौहार आता है ना तो हमारे वहाँ ऐसे मीठा घर बनाते हैं तो बोलते हैं कि तुमने सगयान बना दी, तो चलिए शाम को बनाएंगे सगयान। अभी जा रही हूँ मैं अपनी बेटी के साथ कहीं बाहर थोड़ा सा शॉपिंग करने। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं शॉपिंग करने। तो गाइस, हम यहाँ आ गए हैं मॉल में। तो यहाँ कपड़े अगर हम देख रहे हैं थोड़ा सा, मेरी बेटी अपने लिए ले रही है जीन्स टॉप, कुछ पसंद आ जाए तो यहाँ पे देखिए पसंद कर रही है, और बैग भी देख रही है कुछ। और जैसे ही हम यहाँ अंदर आए और वैसे ही बाहर हो गई है काफ़ी बारिश और ओले भी गिर रहे हैं, तो हमने सोचा, वैसे हमने कपड़े वगैरह तो पसंद कर ही लिए हैं यहाँ पर, लेकिन अब बाहर हम कैसे जाते, तो हम एक्स्ट्रा थोड़ा शॉपिंग कर रहे हैं। और यहाँ ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी बारिश की, ये है हमारी कॉलोनी की। तो ये मेरे बेटे ने भेजी थी व्हाट्सएप पे, मुझे कह रहा था कि तुम लोग कब तक आओगे, देखो कितनी बारिश हो रही है बाहर और ओले भी गिर रहे हैं। तो बारिश हो रही है हमें पता था, इसीलिए हम अंदर वहाँ रह गए। फिर से हमने कहा थोड़ा कुछ खरीद लेते हैं, क्या करेंगे बाहर जाके अगर रिक्शा नहीं मिला तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए अब बारिश थोड़ा हल्की हो गया गाइस, और बाहर कितने ओले गिरे थे। और ये देखिए मेरी बेटी को कितनी खुश हो रही है, जैसे कि इसने बर्फ़ देख ली होगी, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत कम ऐसे ओले अगर गिरते हैं। तो देखिए आज बहुत सारे ओले गिरे थे, तो हम अंदर ही रुके थे, अब बारिश कम हो गई तो अब हम घर को जा रहे हैं सामान अगर ख़रीद के। और यहाँ पर मेरी बेटी देखिए कितनी खुश हो रखी है, और ओले जो है हाथ में ऐसे उठा रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ गिरी होगी। तो बहुत सारे ओले गिरे थे आज, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। ये देखिए सारे रोड में, देखिए आगे भी, और तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ, थोड़ा मैंने कहा मैं भी देखती हूँ। और देखिए कैसे एकदम मोटे मोटे से ओले गिरे हैं। तो गाइस यहाँ तो सब ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कि बर्फ़ गिर गई होगी। तो चलिए फिर हम घर को निकले और रिक्शे में, और तो यहाँ अब हम अंदर आ गए हैं अपने कॉलोनी में। तो घर में अब हम जा रहे हैं घर को सामान वगैरह लेके। और तो देखिए काफ़ी बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा ही ओले आज गिरे थे, और इधर तो दिख भी नहीं रहे, खैर अब कम हैं तो शायद पिघल गए होंगे। तो जब हम लेकिन वहाँ रोड में निकले थे, मॉल में से बाहर आए, तो बहुत सारे ओले वहाँ जमा हो रखे थे काफ़ी। और ये रहा हमारे वहाँ का पार्क, हमारे घर के नीचे ही ये पार्क है। और यहाँ भी देखिए कितने पत्ते पत्ते गिर रखे हैं, काफ़ी बारिश हुई थी। ओहो, यहाँ तो पानी भर गया। तो गाइस हम आ गए हैं मार्केट से, अभी घर पहुंच गए हैं। और यहाँ देखो हमारे ऊपर वाले छत में ऊपर आ गए हम एकदम देखने के लिए, क्योंकि वहाँ ना हमने सोचा बारिश हो रही है तो थोड़ा सामान और ले लेते हैं, और बाहर इतने ओले गिरे थे। क्या कर रही है देखना मेरी बेटी को, हाथ में लगा वहाँ अच्छी गंदा हो रहा है वो अभी। और हम ऊपर आए छत में देखने के लिए, तो ना इतनी तेज, बहुत तेज बारिश, और सारा यहाँ पानी भर गया, बाबरे पूरा गंदा हो गया इधर तो। ओह शिट, हटना बेबी, देखो यहाँ पूरी छत कितनी गंदी हो गई है। ओले देखो इसमें, ये कारपेट रखा था हमने, देखो यहाँ पे बहुत सारे ओले गिरे और अंदर भी पानी आ गया। आज तो हद ही हो गई बेबी, इस कमरे में भी ओहो पूरा पानी भर गया यहाँ तो। चल मैं थोड़ा निकाल लेती हूँ। तो गाइस कपड़े चेंज करने पड़ेंगे ये जो हमने पहने हैं, क्योंकि ना हम रिक्शे में आए तो रिक्शा भी बहुत गंदा हो रखा था, और वैसे आजकल इतनी बीमारियाँ, ऊपर से कोरोना वायरस। तो चलिए फिर
मिलती हूँ आपको कपड़े वगैरह चेंज करके और थोड़ा यहाँ पानी साफ कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं अंदर बैठ के ये सामान जो भी मॉल से लाए हूँ साफ कर रही हूँ और नहा धो के हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि बाहर काफ़ी गंदा हो रहा था। तो ये है सैनिटाइज़र, देखिए मैं इसको एक हैंकी पर लगा के जितना भी सामान लाई हूँ ना तो उसे बाहर से ऐसे साफ कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं कितनों का हाथ लगा होगा। तो ये मैं एक ढक्कन भी लाई हूँ ऐसे कढ़ाई वगैरह के ऊपर रखने के लिए, कुछ विम बार वगैरह, और एक ये लाई हूँ मैं घिया कस। तो मेरे पास घिया कस था वैसे सिंगल वाला जैसे होते थे वो पहले के, लेकिन ऐसा वाला ये मुझे पसंद आया। इसमें काफ़ी चिप्स वगैरह के भी हैं, सैलड भी काट सकते हो, तो ये मुझे अच्छा लगा था तो मैं ये ले आई थी। और एक ये लाई हूँ मैं, तो इसको भी मैं सब कुछ ऐसे साफ कर रही हूँ यहाँ पर जितना भी सामान ला रखी हूँ ना वहाँ से, तो सब कुछ ये साफ कर रही हूँ। और ये ला रखी हूँ मैं एक अपने लिए प्लाजो ब्लैक कलर का क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा था देखिए, और क्योंकि मैं मेरे पास है भी नहीं प्लाजो ब्लैक में। और एक ये ले लिया हमने छाता, और ये छाता लेना पड़ा हमें इमरजेंसी में क्योंकि बारिश हो गई थी बाहर, तो हमने कहा फिर रिक्शा पता नहीं कितने देर में मिलेगा तो छाता ले लेते हैं क्योंकि हम छाता लेके तो गए नहीं थे तब। और ये कुछ ब्रश वगैरह लाई हूँ, और ये है नाइट सूट, देखिए अपनी बेटी के लिए लाई हूँ मैं ये टी शर्ट, और ये नीचे का मतलब ये 300 में हमें पड़े थे, और ये 700 की है जीन्स, और ये 350 का है मेरी बेटी ने अपने लिए पसंद करा था टॉप, मतलब शर्ट जैसी है ये, तो हम उसी के लिए खैर गए थे। हमने कहा कुछ जीन्स वगैरह उसे टी शर्ट वगैरह कह रही थी मुझे चाहिए थे, लेकिन फिर एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत ख़रीद लिया था। ये कुछ रबर लाई हूँ मैं, और तो घर की चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं क्योंकि बारिश हो गई थी, तो हमने कहा यार क्या करें यहाँ बैठे बैठे भी, तो कुछ ख़रीद ही लेते हैं। और ये लाइफबॉय का हैंड वॉश और पाउडर और बोरो प्लस, ये सब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं थोड़ा बहुत मैंने ख़रीद लिया था, और फेस वॉश, ये सब चीज़ें हमने कहा चलो थोड़ा बहुत ख़रीद लेते हैं। वैसे हम गए थे खाली कपड़े लेने अपनी बेटी के लिए, तो कपड़े उसने ज़्यादा ख़रीदे नहीं, उसे कुछ खास पसंद आया नहीं था, जीन्स और एक शर्ट ही उसने अपने लिए ली थी, लेकिन फिर बारिश इतनी बाहर हो गई ओले गिरने लगे तो हमने कहा चलो कुछ और ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं वही सब बेड में बैठ के ये सब साफ कर रही हूँ। और एक ये ढक्कन ये इस तरीके के, वहाँ मैं कब से इन्हें ढूंढ रही थी मुझे मिल नहीं रहे थे, लेकिन ये आज वहाँ मुझे अचानक से दिखे इस तरीके का, देखिए ये 99 रुपीज़ का है, तो ये मैंने ख़रीद लिया। और इनको ना मैं थोड़ा हैंकी पे ऐसे सैनिटाइज़र लगा के साफ कर रही हूँ क्योंकि आजकल कोरोना इतना चल रखा है कि बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत हमें सेफ्टी तो रखनी ही चाहिए। और ये मैं रबड़ ला रखी हूँ अपनी बेटी के लिए, तो 30 रुपए के थे, इसमें 4-5 हैं, और ये देखिए इस तरीके के हैं, ये इस तरीके के हैं, ये 4 हैं शायद, हाँ 4 हैं, ये 30 रुपीज़ के थे। तो गाइस आज 14 तारीख है और आज है हमारे वहाँ का एक त्यौहार, और फूलदेही त्यौहार बोलते हैं वैसे, और हम बोलते हैं फूल शगानी। तो आज शाम को कुछ मीठे टा बनाएंगे, अभी जाऊंगी किचन में थोड़ी देर में। और ये देख रहे हैं जो प्लाजो ये मैंने लिया था 350 में। तो गाइस यहाँ पे बज गए हैं 7, तो मैं किचन में आ गई हूँ, लेट हो गया है, तो करेक्ट 7 बजे हैं, तो मैंने कहा फटाफट पहले मीठा बना लेती हूँ। तो बच्चों से पूछा था क्या बनाना है, तो बच्चों ने बोला बहुत दिन हो गए हैं तो सूजी का हलवा बना दो, हमने खाया नहीं है, तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। और मीठा आज कुछ ना कुछ हमें बनाना ही पड़ता है क्योंकि मंदिर में भोग लगाना है, तो पहले मैं हलवा बना लूँगी, सबसे पहले मंदिर में रखूँगी और दिया बत्ती करके मंदिर में हलवा रख के भगवान जी को भोग लगा के उसके बाद बच्चों को दूंगी। तो गैस मैंने जो है छोले भी बनाए हैं और रायता भी बना के रख दिया है जो मैंने दिखाया नहीं है, बाद में आपको दिखाऊंगी। और छोले रायता और सूजी का हलवा और रोटी बनाएंगे आज, पूड़ी तो नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए इसमें नारियल डाल दिया मैंने और घी ऐड कर रखा है मैंने, गाय का घी। मैं ये सूजी जो है मैंने भून ली है अच्छे से और थोड़ा सा नारियल कट करके रख दिया है क्योंकि काजू बादाम ये सब रख के ना बच्चे खाते नहीं हैं, बार बार मुंह में से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें
नारियल ऐड कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ, तो हलवा भी काफ़ी थोड़ा सा बना रही हूँ। थोड़ा मंदिर में रख देंगे और थोड़ा थोड़ा बच्चे ले लेंगे। तो गाइस देखिए हलवा मेरा बन चुका है, तो इसे साइड पे रख दूंगी और उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। सोचा तो था आज पूड़ी बनाएंगे, लेकिन मेरा मन था, लेकिन बच्चों का मन नहीं है पूड़ी खाने को, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं रोटी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखिए हलवा बन चुका है, उसे भी मैं साइड रख रही हूँ। और उधर सामने जो आप देख रहे हैं कुकर, उसमें मैंने छोले बना रखे हैं, वाइट छोले, और रायता भी बना के रख दिया है। तो यहाँ पर मैं साफ़ करके अब मैं यहाँ पे रोटी बना दूँगी कुछ थोड़ा, और उसके बाद मंदिर में पूजा करके और फिर हम रात का जो है अपना डिनर करेंगे। तो गाइस मैं हमेशा जो है डेट अगर बताना भूल जाती हूँ, तो आज 14 तारीख है और सैटरडे है आज। तो आज हमारे वहाँ सग्यान भी है, सग्यान बोलते हैं हमारे वहाँ जब कोई भी त्यौहार होता है, तो आज फूलदेही है, फूलदेही बोलते हैं और हम बोलते हैं गांव में फूल सग्यान। तो हमारे वहाँ गांव में क्या होता है कि आज जो ये त्यौहार है, सुबह सुबह उठ के बच्चे सब नहा धो के पूरे गांव में हर किसी के घर जाते हैं। एक टोकरे में पीले कलर के फूल होते हैं हमारे वहाँ, तो वो फूल हर किसी के घर में थोड़ा थोड़ा सा फूल डालते हैं, मुट्ठी से पकड़ पकड़ के एक एक मुट्ठी फूल रखते हैं हर किसी के गेट पे, और तो वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं। और जो वो घर के लोग होते हैं वो एक बड़े से बर्तन में चावल रखते हैं, तो सबको एक एक कटोरी चावल देते हैं। तो पहले बहुत, जब मैं छोटी थी, एक दो बार शायद मैं भी गई हूँ, तो हमें वो चावल देते थे, तो पूरा गांव में हम जाते थे तो बहुत सारे चावल हो जाते थे और उनके फिर हम मीठे चावल बनाते थे। वो ऐसा कुछ होता है रिवाज, तो मेरी मम्मी बनाती थी, मैंने तो कभी बनाए नहीं। तो मीठे चावल होते थे, उनको घी में भून के और उनमें चीनी अगर डाल के वो चावल बाद में खाने के लिए बनाते थे। तो ऐसा ये त्यौहार होता था। यहाँ तो कुछ होता नहीं है, खैर हम लोग फिर, लेकिन अपने वहाँ का त्यौहार है तो थोड़ा हम बना लेते हैं, जैसे मीठा बना के मंदिर में भोग लगा देते हैं। और जैसे कि आपने देखा सुबह सुबह मैंने पूजा पाठ करके नहा धो के मंदिर में फूल चढ़ा दिए, और गेट में भी मैंने फूल चढ़ाए थे, गेट पर मेरी बेटी ने चढ़ाए थे। तो गमले में ही हमारे आजकल काफ़ी फूल हो रखे थे, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि सफाई कर ली है मैंने, चलो अब दरवाजे पे थोड़ा सा फूल चढ़ा दो, क्योंकि अच्छा रहता है ना, बच्चे जब फूल चढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि शुभ रहता है। तो मेरी बड़ी बेटी ने फूल रखे थे गेट पे और थोड़ा सा, और हर गेट पर चढ़ा देते हैं। तो बस यही हमारे वहाँ का त्यौहार होता है। तो आज हमने तो कुछ खास बनाया नहीं है, तो बस मैंने मीठा बना लिया है थोड़ा भोग लगाने के लिए बस। तो गाइस देखिए ये रहा मेरा हलवा, तो मंदिर में मैं रख चुकी हूँ और दिया बत्ती हो चुकी है मंदिर में, और भगवान जी के लिए भोग लगा दिया है। तो चलिए अब बच्चों को देती हूँ। और ये रहे छोले देखिए, और छोले भी बहुत टेस्टी बने थे, छोले बना रखे हैं। और ये रहा रायता, खीरे का रायता बना रखा है बस। तो आज ये है हमारा डिनर और ये हमारी सग्यान भी है। तो चलिए गाइस आप लोग को ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा हो, तो जैसा भी लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।